हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड 3D लेसन में हम बात करेंगे सॉलिड एडिटिंग की, जिसमें होगा कवर हमारे फेस कलर, फेस मटेरियल, फेस अंडू, एग्जिट, एज कलर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से यूज़ होंगी, हम किस तरह से इनको यूज़ कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फेस कलर। तो फेस कलर क्या होता है, किसी भी फेस को आपको कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके किसी फेस को आपको कोई कलर देना है, असाइन करना है, तो वो आप इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो किस तरह से कर पाएंगे वो देखते हैं। चेंजेस द कलर ऑफ फेसेस। कलर्ड फेस कैन बी यूज टू हाईलाइट डिटेल्स विद अ कॉम्प्लेक्स 3D सॉलिड मॉडल। तो जो भी कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल है उसको सेपरेट आप किसी चीज़ का या किसी फेस को किसी कलर से दिखाना चाहते हैं तो वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट फेस। तो जिसको भी आपको कलर देना है उस फेस को सेलेक्ट करना होगा। स्पेसिफाई द फेसेस टू बी मॉडिफाई द सेलेक्ट कलर डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। तो पहले आपको फेस को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो कलर डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा उसमें से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो उस फेस पर अप्लाई हो जाएगा। देन है फेस मटेरियल। मटेरियल किस तरह से किसी फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो हम देखते हैं। मटेरियल, असाइन अ मटेरियल टू सेलेक्टेड फेस। फेस कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। स्पेसिफाई द फेसेस टू बी मॉडिफाइड द सेलेक्ट कलर डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पे मटेरियल के लिए भी वही कलर डायलॉग बॉक्स टाइप का डिस्प्लेड होगा। एंटर न्यू मटेरियल नेम। तो ये किस तरह से दे पाएंगे हम, एंटर द नेम ऑफ द मटेरियल टू बी असाइंड टू द सेलेक्टेड फेस। द नेम ऑफ द मटेरियल कैन बी फाउंड बाय ओपनिंग द मटेरियल विंडो एंड सेलेक्टिंग द मटेरियल स्विच टू डिस्प्ले द नेम इन द नेम फील्ड। तो नेम फील्ड में आप जब उसका नाम डालेंगे तो वो मटेरियल वहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड मेथड है इसका बाय लेयर। बाय लेयर के द्वारा भी आप इसमें मटेरियल अप्लाई करवा सकते हैं। असाइन द मटेरियल बेस्ड ऑन द लेयर सेगमेंट। तो लेयर सेगमेंट भी मटेरियल का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी जाके आप मटेरियल उसको अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आता है फेस अंडू। ये क्या करेगा वो हम जानते हैं। फेस अंडू रिवर्स एक्शन एज फॉर बैक एज द बिगनिंग ऑफ द सॉलिड एडिट सेशन। जो भी सॉलिड एडिट सेशन में स्टार्टिंग में जो था फेस, सेम उसी तरह से हो जाएगा, यानी रिवर्स कर देगा एक्शन। अगर आपने कोई भी इनमें से फेस का ऑप्शन उसमें यूज़ लिया है तो वो उसको फेस को अंडू कर देगा, यानी जैसी वो पहले थी वैसी ही वो बना देगा उसे। आगे देखते हैं फेस एग्जिट। फेस एग्जिट क्या करेगा वो देखते हैं। एग्जिट द फेस एडिटिंग ऑप्शन एंड डिस्प्ले द एंटर अ सॉलिड एडिटिंग ऑप्शन प्रॉम्प्ट। तो सॉलिड एडिटिंग ऑप्शन प्रॉम्प्ट ओपन करेगा, उसमें क्या क्या होंगे, एज एडिट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द कॉपिंग इंडिविजुअल एजेस। तो इंडिविजुअल एजेस को आप कलर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर है एज कॉपी। किस तरह से कर पाएंगे, कॉपी सेलेक्टेड एज ऑन अ 3D सॉलिड एज 2D आर्क, सर्कल्स, एलिप्स, लाइंस और स्प्लाइंस। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ड्राइंग में एक ऑब्जेक्ट है जो कि आर्क टाइप का बना हुआ है और इस आर्क एज को हम बाहर निकाल के इसको कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है एज सेलेक्टेड जो कि हमने ये किया है। बेस पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्टेड। बेस पॉइंट आपने जहाँ से सेलेक्ट किया एंड सेकंड थर्ड पॉइंट आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये जो एज है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से कॉपी एज हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रिटेन द एंगल ऑफ द एज एंड अलाउ यू टू मेक मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन एंड क्रिएट अ न्यू ज्योमेट्री बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्टेड एज। प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन एक्सटेंशन एंड न्यू 3D सॉलिड बेस ऑन द एक्सट्रैक्टेड एज। तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्टेड एज के जो आपने बाहर निकाली है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन एक्सटेंशन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आता है सेलेक्ट एजेस कॉपी के लिए। स्पेसिफाइज द एज टू कॉपी, प्रेस,
कंट्रोल प्लस क्लिक टू सेलेक्ट द एज देन सेट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक के साथ हम उस एज को सेलेक्ट करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट देंगे। फिर है बेस पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, तो ये किस तरह से देंगे, सेट द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग वेयर द न्यू ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे वो प्लेस्ड होने वाला है। सेकंड स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेट द रिलेटिव डायरेक्शन टू डिस्टेंस फॉर अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो नई ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपको रखना है उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए जगह आपको सुनिश्चित करनी होगी, देनी होगी, वो आप बाय माउस बाय कर्सर लेके जा सकते हैं। अंडू कैंसिल सेलेक्शन ऑफ द एजेस यू एडिड मोस्ट रिसेंटली टू द सेलेक्शन सेट, द प्रीवियस प्रॉम्प्ट इज डिस्प्लेड, इफ ऑल एजेस हैव बीन रिमूव्ड द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट इज डिस्प्लेड। तो कौन कौन से प्रॉम्प्ट आपको डिस्प्लेड होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले है रिमूव, रिमूव प्रीवियसली सेलेक्टेड एज फ्रॉम द सेलेक्शन सेट, द प्रॉम्प्ट इज रीडिस्प्लेड, तो यहाँ पे रिमूव होगा। फिर है एड, एड एजेस टू द सेलेक्शन सेट, तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं किसी सेलेक्शन सेट में से और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं किसी लाइन या एज को, तो वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास हाईलाइट होंगे। फिर है एज कलर, तो ये क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। एज कलर चेंजेस द कलर ऑफ इंडिविजुअल एज ऑन द 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो किसी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट के किसी इंडिविजुअल एज को भी आप कलर कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे थोड़ा डिफरेंट बना सकें या दिखा सकें। फिर है सेलेक्ट एजेस कलर के लिए, कलर्ड एजेस कैन बी यूज टू हाईलाइट इंटरसेक्शंस, इंटरफेरेंस और क्रिटिकल क्लियरेंस, तो यहाँ पे इन तीन चीज़ों के लिए हाईलाइट करने के लिए आप सेलेक्ट एज कलर को यूज़ करते हैं। ये दो तरह से इसमें ऑप्शन आएंगे, एज अंडू रिवर्स एक्शन एज फॉर बैक एज द बिगनिंग ऑफ द सॉलिड एडिटिंग सेशन, एंड एज एग्जिट एग्जिट द फेस एडिटिंग ऑप्शन एंड डिस्प्लेड द एंटर अ सॉलिड एडिटिंग ऑप्शन प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों ये जो हमारा लेसन है इसमें सॉलिड एडिटिंग के कुछ और कमांड जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आप यूज़ ले सकते हैं अपने क्रिटिकल ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी उसमें अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके जो ड्राइंग है वो सेपरेट किसी भी चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप इसके द्वारा दिखा सकते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। थैंक यू।